मध्य प्रदेश में कोरोना के 1069 नए केस सामने आए हैं। कुल संक्रमित 231,284 हो गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,318 हो गई है। अब तक 216,485 मरीज स्वस्थ हुए। 24 घंटे में कोरोना से 13 लोगों की जान चली गई है। अब तक 3,481 मरीजों की जान गई। इंदौर में कोरोना के 395 नए मरीज सामने आए। भोपाल में 204, ग्वालियर में 36, जबलपुर में 33 नए केस सामने आए हैं। ये अच्छी बात है कि आंकड़े में अब एक बार फिर से गिरावट देखने को मिलने लगी है, लेकिन अभी भी मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस आंकड़े को यही रोकना है और नीचे लेकर जाना है तो बहुत जरूरी है सबकी अपनी अपनी भागीदारी हो, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, तभी इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। वहां पर भी कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही। 24 घंटे में 953 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 1034 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि जहां संक्रमित मरीजों की अगर हम बात करते हैं, पिछले 24 घंटे में 953 मिले हैं, लेकिन ऐसे मरीज जो कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं उनकी संख्या 1034 है। एक अच्छा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। प्रदेश में 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना वायरस ने जान ले ली है। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है 267,219। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 16,558 एक्टिव मरीज हैं। 24 घंटे में प्रदेश में 22,373 टेस्टिंग की गई है।